नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर में जो वैकेंसी आई है उनके बारे में। मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसमें वैकेंसी आई है वॉशरमैन की, सफाई वाली की, वार्ड सहायिका की, मैसेंजर की, बारबर की, कुक की। इनके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, साथ ही आपको फॉर्म कैसे भेजना है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी है वॉशरमैन की, इसमें एक वैकेंसी एक्सेसमैन की भी शामिल है। टोटल वैकेंसी है 4, इनमें 2 हैं सामान्य की, 1 है एससी की और 1 है एसटी की। इसके लिए सैलरी आपको 1800 वाले ग्रेड में मिलेगी और ज्यादातर जो ये वैकेंसी है इन सब के लिए आपको सैलरी 1800 ग्रेड पे वाले ग्रेड में मिलेगी, सिवाय कुक के छोड़कर। कुक को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1900 वाले ग्रेड में। सफाई वाली एमटीएस की वैकेंसी आई है 5, 5 वैकेंसी जनरल की है। वार्ड सहायिका की वैकेंसी आई है 10, इनमें से जनरल की है 6, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। मैसेंजर एमटीएस की वैकेंसी 1 आई है जनरल की, वहीं बारबर की 1 वैकेंसी आई है ओबीसी की। कुक की 1 वैकेंसी आई है ओबीसी में और ये 1900 ग्रेड पे वाले ग्रेड में है। बाकी सभी जो वैकेंसी है वो 1800 वाले ग्रेड में है और इसके लिए सैलरी होगी 1900 वाले ग्रेड में। सफाई वाली और वार्ड सहायिका के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, वहीं बारबर और कुक के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। तो सफाई वाली और वार्ड सहायिका के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट वॉशरमैन, सफाई वाली, मैसेंजर, एमटीएस, बारबर और कुक के लिए है 28 से लेकर 25 साल। इसमें एसएसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा और एक्सेसमैन को उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें वार्ड सहायिका की तो इसके लिए एज 28 से लेकर 25 साल है। बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी एसएसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वॉशरमैन के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपको मिलिट्री सिविलियन कपड़े धोना आता हो। सफाई वाली के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। डिजायरेबल है कि आपको सफाई वाली ड्यूटी है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकती हैं। वार्ड सहायिका के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। वहीं जिनके पास दाई के रूप में किसी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है, सिविल हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मैसेंजर एमटीएस की, तो इसके लिए भी आप 10th पास होनी चाहिए। बारबर के लिए भी आप 10th पास होनी चाहिए और आपको बारबर ट्रेड में प्रोफेशनसी हो। कुक के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपको इंडियन कुकिंग का ज्ञान हो, यानी आपको भोजन पकाना आता हो। ये तो बात हो गई वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन जो होगा उसमें एक पेपर आएगा जिसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, 50 होंगे जनरल इंग्लिश के और 50 होंगे जनरल अवेयरनेस के। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये 10th लेवल का होगा। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 10th लेवल का आपका पेपर आएगा और सिलेक्शन जो होगा वो रिटर्न एग्जाम, उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के बेस पर होगा, जिसके बारे में आपको डाक द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी आयोजित कराया जा सकता है, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद आप 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, लेकिन प्रोबेशन के दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी। 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने पर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन, ये फॉर्म जाएगा साधारण डाक से यानी ऑर्डिनरी पोस्ट से। 10 रुपए की टिकट लगा के आपको लिफाफा भेजना है डाक द्वारा और स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री नहीं करनी है। पता है द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर MP 482001। रजिस्टर्ड पोस्ट एप्लीकेशन इन हैंड स्वीकार नहीं की जाएगी और जो आपका एनवलप होगा जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म रखे हुए जाएंगे उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखेंगे। ये आपको फॉर्म विज्ञप्ति के प्रकाशन के 21 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, यानी 25 अक्टूबर तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए दिए गए पते पर। फॉर्म के साथ आपको क्या क्या भेजना है आप सुन लीजिए। फॉर्म के साथ एक अपना पता लगा हुआ लिफाफा भेजेंगे 12x27 सेंटीमीटर का और इसमें 25 रुपए की डाक टिकट लगाएंगे। इसके साथ आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फोटोकॉपी लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, नहीं है तो 10th के सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे, अगर एसएसटी ओबीसी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे जहां कहीं भी लागू है, और अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। इन सब की आपको लगानी है फोटोकॉपी और उसके ऊपर करनी है अपने साइन, यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको ये भेजनी है। तो आपको क्या करना है, एक तो अपना फॉर्म भेजना है, फॉर्म के साथ आपको अपने एजुकेशन के, साथ ही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अगर है, अगर नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट भेजेंगे, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भेजेंगे अगर एसएसटी ओबीसी वाले हैं तो, अगर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजेंगे और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट भेजेंगे। ये सभी चीजें आप फॉर्म के साथ लगाएंगे और उसको एक लिफाफे में रखेंगे एनवेलप में, एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखेंगे, उसको भेज देंगे आप द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर MP 482001 पर, और 10 रुपए की टिकट लिफाफे के ऊपर आपको लगानी है, साथ ही अंदर आपको एक लिफाफा रख के भेजना है 25 रुपए की डाक टिकट लगा के अपना पता लिख के। इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म
किस तरीके का होगा, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इस तरीके का होगा, टू द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर एमपी। यहाँ अपना फोटो चिपकाएंगे आप और उसके ऊपर इस तरीके से आप अपने साइन करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसको दोबारा यहाँ लिखेंगे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे आप, फादर्स नेम लिखेंगे जो भी है, और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, यहाँ अंकों में लिखेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आपकी एज कितनी हो रही है वो आप यहाँ लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ लिखेंगे, अपना एड्रेस यहाँ लिखेंगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखेंगे। कास्ट जो भी है वो आप कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे, सब कास्ट यहाँ लिखेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं अटैच किए हैं उनकी डिटेल आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ अपने सिग्नेचर करेंगे, और ये ऑफिस यूज वाला जो कॉलम है इसको आप खाली छोड़ देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। और बीच में काफी छुट्टियां आ रही हैं, नवरात्रि की आ रही हैं, दशहरा की, उसके बाद दीपावली की आ जाएंगी, तो आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, उसमें ही आपको अप्लाई करना है। और साधारण डाक से फॉर्म भेजना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजना है। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।